सुनंदा पुष्कर हत्याकांड में शशि थरूर को बरी करने के राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। पुलिस ने थरूर को डिस्चार्ज किए जाने का विरोध किया। थरूर के वकील ने याचिका का विरोध किया। याचिका में 15 महीने की देरी, दिल्ली हाई कोर्ट ने देरी पर पुलिस को नोटिस जारी किया है। और हमारे सहयोगी नीलाशीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। नीलाशीष, इतने समय के बाद दिल्ली पुलिस आखिर अब इस पूरे जो राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा जो फैसला सुनाया गया था इस मामले में उसका विरोध कर रही है। जी बिल्कुल, राउज एवेन्यू कोर्ट ने करीब 15-16 महीने पहले शशि थरूर को डिस्चार्ज किया था इस केस से जो सुनंदा पुष्कर के मौत को लेकर है। इसमें आज दिल्ली पुलिस ने रुख मोड़ा दिल्ली हाई कोर्ट का और कहा कि इस ऑर्डर को चैलेंज करना चाहते हैं हम। विकास पावा जो शशि थरूर के वकील है, उन्होंने कहा कि इससे कम से कम 15 महीने का डिले हो चुका है, अब जो आ रहे हैं ये सही नहीं है। और ये भी कहा गया कि जो पिटिशन फाइल की गई है, जो याचिका फाइल की गई है, उसकी कॉपी इनको भी दी नहीं गई है, तो ये भी गलत है। और विकास पावा ने आगे भी कहा कि जो कोर्ट के सारे रिकॉर्ड है, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट ने पहले भी कहा है कि ये पब्लिक नहीं होने चाहिए, ये प्राइवेट डोमेन में रहने चाहिए, केवल जो पार्टियां हैं इस केस की उन्हीं के बीच ये मामला रहना चाहिए। तो ये सब सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने आज नोटिस जारी किया है, तलब जारी किया है और कॉन्डनेशन ऑफ डिले जो है इतने समय बाद फाइल करने के लिए कॉन्डनेशन ऑफ डिले का भी की भी मांग की है इस केस में। और अब केस को लगा दिया है 7 फरवरी को सुनवाई के लिए। जी नीलाशीष, 7 फरवरी की डेट रखी गई है सुनवाई के लिए। अगर शशि थरूर के हिसाब से बात की जाए तो क्या उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? जी देखिए, करीब 15 महीने पहले कोर्ट ने उनको एक तरह से क्लीन चिट दे दिया था, जहां पे डिस्चार्ज कर दिया था उनको चार्जेस से। चार्जेस जो फ्रेम होते हैं मर्डर के, वो भी नहीं लगाए गए थे, क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें कमियां हैं, कोई खास एविडेंस नहीं ला पाई है पुलिस। तो अब जो है दिल्ली पुलिस आगे कहने की कोशिश करेगी अवश्य कि जो केस था उसके हिसाब से कोर्ट ने गलत ऑर्डर दिया। तो अब देखना पड़ेगा कि क्या जवाब आता है इस याचिका का और कोर्ट किस तरह से देखती है इसको। लेकिन ऐसे मामलों में थोड़ा पल्ला भारी तो जिसका डिस्चार्ज हुआ है उसी का रहता है।